बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधाई हो आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधाई हो। हरि बोल श्री राम लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हरि बोल चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, नयनी अवध की, नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, कोरत तानन, कोरत तानन राग ले में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। हरि हो राम लाला की बधाई हो, बड़े भाव से मस्ती में नाचते हुए दोनों हाथ से ताली की सेवा करते बड़े भाव से। क्यों कैसे नाच रही है प्रमदागण अयोध्या की, नोपुर बाधे, नोपुर बाधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, निवछावर श्री राम लला झुकी, निवछावर श्री राम लला झुकी, निवछावर श्री भरत लला झुकी, निवछावर श्री भरत लला झुकी, निवछावर श्री लखन लला झुकी, निवछावर श्री लखन लला झुकी, निवछावर श्री शत्रुघ्न लला झुकी, निवछावर श्री शत्रुघ्न लला झुकी, नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। जय हो
बोलो भरत लाला की जय हो, बोलो शत्रुघ्न लाल की जय हो, बोलो लखन लाल की जय हो। बड़ा सुंदर भाव है हमारे लक्ष्मण भैया, इसको बड़े भाव से बधैया का गीत सुनाएंगे। बड़े भाव धनी धनी चैत महीनवा, धनी धनी चैत महीनवा कि सुगर समैया हो, राम प्रकट भय रघुरैया की बाजे बधैया, राम प्रकट भय रघुरैया की बाजे बधैया। धनी धनी चैत महीनवा, धनी धनी चैत महीनवा की सुघर समैया हो, धनी धनी चैत महीनवा सुघर समैया हो, रामा प्रगट भय रघुरैया की बाजे बधैया, रामा प्रगट भय रघुरैया की बाजे बधैया। जय हो श्री राम लाला की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया लुटावे धेनु गैया, मैया लुटावे धेनु गैया कि बाबा रुपैया हो, मैया लुटावे धेनु गैया कि बाबा रुपैया हो, मैया लुटावे धेनु गैया कि बाबा रुपैया हो, मैया लुटावे धेनु गैया बाबा रुपैया हो। राम जय जय करे सुर रैया अवध अंगे नैया, राम जय जय करे सुर रैया अवध अंगे नैया, राम जय जय करे सुर रैया अवध अंगे नैया, राम जय जय करे सुर रैया अवध अंगे नैया। धनी धनी चैत महीनवा, धनी धनी चैत महीनवा कि सुगर समैया हो, धनी धनी चैत महीनवा सुगर समैया हो, राम प्रकट भय रघुरैया कि बाजे बधैया, राम प्रकट भय रघुरैया कि बाजे बधैया। जन्म की बधाई हो, बड़े भाव से मस्ती में झूमते हो। द्वारे पे बाजे बधैया, द्वारे पे बाजे सोहर अंग नैया हो, द्वारे पे बाजे बधैया सोहर अंग नैया हो, रम लागल भीड़ दुआरे
की लोग लुगैया हो, राम लागल भावे दुआरे लोग लुगैया। धनी धनी चैत महीनवा, धनी धनी चैत महीनवा की सुगर समैया हो, धनी धनी चैत महीनवा सुगर समैया हो। रामा प्रकट है रघुरैया की बाग बधैया, रामा प्रकट है रघुरैया की बाग बधैया, रामा प्रकट है रघुरैया की बाग बधैया, रामा प्रकट है रघुरैया की बाग बधैया। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या में उत्सव ही उत्सव हो रहा है, पूरी अयोध्या नगरी उत्सव से परिपुष्ट हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कहाँ गए वो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। द्विजों के साथ में ब्राह्मणों के टीम को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी पहुंचे हैं। अपने आप के सौभाग्य का संवर्धन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, तुरंत नंदी मुख श्राद्ध हुआ है। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन नृमणि नृपर विप्रन कहां दीन। राजा ने विप्रों को ब्राह्मणों को बड़े सुंदर भाव से सारी चीजें गौ अन्न पूरे भंडार खोल दिए महाराज श्री दशरथ जी ने। चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जे ही भांति बना। पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए भांति बनाओ। सुमन बृष्टि आकाश दे होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सुमन बृष्टि आकाश दे होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। चली लो गाई सहज सिंगार किए उठ धाई, बृंद बृंद मिले चली लो गाई सहज सिंगार किए उठ धाई। बहुत सहज सिंगार करके माताएं मंगल कलश लेकर के आरती सजा करके और श्री अयोध्या नाथ के दरवाजे पे पहुंचती हैं। महाराज श्री दशरथ जी सबका स्वागत करते हैं, चारों तरफ मंगल गान हो रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न भाव से माँ के गोद में बैठे हैं। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार विधिवत सारे कर्म हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतने में कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो। सुंदर सुत जन मत भयो, सुंदर सुत जन मत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय हो, सुंदर सुत जन मत भय हो। अब तो और भयंकर मंगल गान होने लगा। अरे अभी तक माता कौशल्या के ही पुत्र थे, अब तो माता कैकेयी के भी यहाँ भरत लाला प्रकट भये। श्री सुमित्रा जी के दो दो बेटा हुए, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। और दशरथ जी को पता चला कि हमारे तो चार चार बेटा हुआ, तो बाबा ने सारे दरवाजे खोल दिए, अन्न धन गोधन सब लुटाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अवधपुरी सोहै यही भ
भांति अवधपुरी सोहई यही भांति अवधपुरी सोहई यही भांति अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती प्रभु ही मिलन आई जनुराती अगर धूप बहु जनु अधियारी अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़त अबीर मनहु अरुणारी उड़त अबीर मनहु अरुणारी उड़त अबीर मनहु अरुणारी इतना भयंकर अबीर गुलाल उड़ने लगा पूरे अयोध्या में अगरबत्ती ही अगरबत्ती धूप दीप अगरबत्तियों से पूरा धुआं पूरे धुएं से पूरे अवध का वातावरण आच्छादित हो गया। मानो ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12 बजे चारों तरफ केवल काली अंधेरी रात आ गई है, ऐसा लगने लगा। भगवान शीतल मंद वात वायु में बढ़िया सुंदर सलोने से गोविंद मेरे राघवेंद्र सरकार माँ की गोदी में बैठे हैं, चारों तरफ बधाई गान हो रहा है। मंदिर मन समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदु उदारा अवधपुरी सोहई एही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराति। मानो परमात्मा से मिलने के लिए रात्रि ही स्वयं अवधपुरी में बसेरा डाल रही है। एक बड़ी मधुर बात, बड़ी मधुर बात, जिस समय श्री भगवान का जन्म हुआ तो चैत का महीना मधुमास सुंदर शुक्ल पक्ष और उसमें नवमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे तो भगवान भुवन भास्कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हलादित हो रहे हैं। हमारे यहाँ वंश में, हमारे सूर्य वंश में श्री साक्षात परमात्मा जगदाधीश प्रकट भए हैं। सो भगवान सूर्य थकित होकर के भगवान सूर्य मानो स्थिर हो गए हैं और अयोध्या की ओर देखने लगे। चंद्रमा जी ने विचार किया, बोले प्रभु ये सूर्य भगवान तो पीछे हट ही नहीं रहे हैं कि हम सब भी दर्शन कर सकें। तो भगवान ने मानो मन में ही चंद्रमा जी को आश्वासन दिया, घबराइए मत, इस बार मैंने रामचंद्र के रूप में, मैं राम जी के रूप में अवतार लिया हूं सूर्य वंश में, अगली बार जब मैं अवतार लूंगा तो मैं चंद्रवंश में अवतार लूंगा। हाँ, अगली बार मैं चंद्रवंश में अवतार लूंगा और अभी दिन के ठीक 12 बजे आया हूं, अगली बार मैं आऊंगा तो ठीक रात्रि के 12 बजे आऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, चंद्रमा प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देखो आज के बाद मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ दिया जाएगा, और तब से ही भगवान का नाम हुआ है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का नाम रामचंद्र हुआ है। अभी तो भगवान छोटे से हैं, बालक रूप में हैं। मैया कहती हैं कि उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहती हैं कि कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना।